इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बोलो। बेलगाम के अंदर जो है आज आप देख रहे हैं पूरा बैरिकेड्स जो लगाए हुए हैं, ये सिर्फ आपको बेलगाम सिटी में आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, जबकि कल से जो है पूरा फुल लॉकडाउन है। लोग जो है बाहर से आ रहे हैं और उनको जाने के लिए यहाँ से घंटा दो घंटा लगता है। अब 10 बजे तक का टाइमिंग दिए थे और जाते वक्त उनके पास से बाजार खरीदी करके लेके जाने के वक्त पुलिस डिपार्टमेंट वाले उनकी गाड़ियां निकाल कर ले रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं। क्या है ये? ये सब मोदी के दरबार में और येडियुरप्पा के राज में गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गरीब लोगों के ऊपर जो है एक अन्याय कर रहा है, किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। ये जो लॉकडाउन जो है ना, लॉकडाउन इसका पर्याय नहीं है, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। जबकि मोदी गवर्नमेंट और येडियुरप्पा गवर्नमेंट पूरी तरह से इस बीमारी में नाकाम हो चुकी है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है ये सब जो नाटक कर रहे हैं, ये सब अपनी नाकामी छुपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार को और येडियुरप्पा सरकार को मालूम था पहली लहर आई थी कोविड की, अब दूसरी लहर आने वाली है, उसका इंतजाम करना चाहिए था, कोविड का सेंटर बनाना चाहिए था और जो है और अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए था। और ये करने के बजाय मोदी गवर्नमेंट एक सत्ता की लालच रखने वाली गवर्नमेंट है ये, और सत्ता की लालच रखने वाला मोदी है ये। जो है वेस्ट बंगाल में आप देखे हैं कि ये इलेक्शन कराया, दो दो लाख तीन तीन लाख लोगों की जो है रैलियां निकाला, वहां से जो है कोरोना स्पोर्ट हो गया है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। आज जो है जो लोग मर रहे हैं, आज जो लोग मर रहे हैं कोविड से, ये मर रहे नहीं, इनका कत्ल किया जा रहा है ये। और ये जो है येडियुरप्पा सरकार पर और जो है मोदी सरकार पर जो है FIR दर्ज करना चाहिए, इन पर केस दाखिल करना चाहिए। अगर थोड़ी भी अगर शर्म है तो ये जो है येडियुरप्पा और अपना मोदी सरकार जो है रिजाइन देना चाहिए लोग। ये करने के बजाय जो है ये लोगों को, गरीबों को तकलीफ में डाल रहे हैं। आज रमजान का महीना है, एक जो है एक रमजान की उम्मीद पर लोगों ने कर्जा निकाल करके जो है अपना दुकान धंधे के लिए भांडोल डाले हैं, आज वो पूरा बंद करके जो है लोगों को तकलीफ में डाले हैं। आज क्या खाएं गरीब लोग? अपना जो है सिद्धरमैया सरकार 5 kg चावल देती थी, आज उसको निकाल करके 2 kg चावल दिए, और वो भी लेने के लिए लंबी कतार लगाना पड़ता है, लेकर आने के टाइम को पुलिस मार रहे हैं यहाँ पर। क्या है, क्या ये चल रहा है, क्या है ये? और एक जो है जहरीली सोच रखने वाला MP जिसका नाम जो है तेजस्वी सूर्य है, वो एक कोविड सेंटर पर जाकर कहता है क्या मदरसा बनाने वाले, जिनको काम पर कौन रख लिया, उसके साथ 2-3 MLA थे रेडी, उनको काम पर कौन रख लिया करके कहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इनके जो सपोर्ट में, येडियुरप्पा भी खुद सपोर्ट में है, इनको जो है रिजाइन लेना चाहिए, इनके से रिजाइन लेना चाहिए। और एक लेडीज ऑफिसर को, एक लेडीज इंचार्ज को जाकर जो है उसकी बेहयाई से, बेहुरमती से बात करता है। अगर तेजस्वी सूर्या अगर तुझे पूछने का है, जा, तेरा बाप बैठा हुआ है जमीर अहमद खान साहब, जा उनको पूछ, तेरा जवाब मुंह तोड़ तेरे को जवाब देंगे। क्या है ये सब? मैं तो जो है कहूंगा इसके हमारी स्टेट सरकार और जो है सेंट्रल सरकार ये नाकाम है, इनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। जबकि कोविड सेंटर और जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बजाय मोदी सरकार जो है 13,450 करोड़ रुपए का वेस्टा गेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाए। आज वो सब आम जनता को काम नहीं आने वाली, आम जनता को जो काम आने वाला है इस वक्त कोविड सेंटर काम आने वाला है। ये बनाना चाहिए था, ये बनाने के बगैर जो है आप जो है ये सब नाटक कर रहे हैं। ये लॉकडाउन जो है इसका पर्याय नहीं है। मेरे को ये बताओ, अगर लॉकडाउन करेंगे तो आइंदा कोविड नहीं होगा, इसका कोई गारंटी है क्या सरकार के पास? अरे भाई, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो रहा है वो लोगों को, क्या करेंगे ये लोगों को, क्या करेंगे, क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाने के बाद में
अच्छा इंजेक्शन लगाने के बाद में वैक्सीन लगाने के बाद में भी जो आ रहा है, अब तीसरी लहर आने वाली है, ये इंजेक्शन का क्या करेंगे, ये इंजेक्शन का क्या करेंगे हम लोग? ये जो है सरकार जो है एक साजिश कर रहा है, सरकार साजिश कर रहा है, इसके लिए जो है मैं कल सख्त बायकॉट करूंगा।